ये तो बहुत फेमस हुई है, तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ड्राइवर्स के लिए भी भाई। मोटोरोला खत्म कर देगी मार्केट भाई। आपको पता है इसका गुनाह क्या था? इसका गुनाह भाई ये वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है। सबसे पहले करने चलते हैं ग्रोसरीज। अभी 8 बज रखे हैं और 17 डिग्री हो रखा है जो कि बहुत सही है। बहुत दिनों से यहाँ पे ठंड थी, 5-6 डिग्री हो रखा था, ऐसा लग रहा था कि बर्फ पड़ने वाली है, पर अभी कुछ दिनों से 22 डिग्री 21 डिग्री ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे पास में फूड बेसिक्स है, मैं वहां से ग्रोसरी लाता हूँ और वो 9 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए जल्दी जा रहा हूँ ताकि बंद ना हो। बस 5 मिनट की वॉक है। यहाँ पे ऐसे दबाना होता है, अगर तुम्हें उस साइड जाना है तो उस साइड का दबाओ, इस साइड जाना है तो इस साइड का दबाओ, और वहाँ पे वाइट वाइट हो जाता है तो तुम क्रॉस कर सकते हो। वी आर एट फूड बेसिक्स, पीछे फूड बेसिक्स है जो घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, तो ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाता है। तो मैं इसमें आ जाता हूँ, पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ट्रैवलिंग का सेम खर्चा हम इसमें लगा देते हैं। तो एक ही बात, ट्रैवलिंग करके नो फ्रिल्स जाऊँ या फिर यहाँ से ले लूँ तो एक ही बात है। ऐसी ऐसी कार्ड्स लेनी पड़ती हैं यहाँ, और ये शायद वो है कि कितना परसेंट इसमें फैट है या फिर क्रीम है। कोई भी उठा लो, 1% वाला उठा रहा हूँ मैं, 2%। तुम ये कार्ड्स भी ले सकते हो, इसमें कॉइन डालना पड़ता है जब चलती हैं, और इनको तुम इस वाली प्रेमिसेस के बाहर नहीं ले जा सकते। जैसे ही तुम ट्राई करोगे कि इस प्रेमिसेस के बाहर ले जाऊं मैं इस कार्ड को, तो इनमें होती है मैग्नेट्स, तो वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो ऐसा मत करना कि भाई घर ले जाके मैं अपना राशन वाशन स्टोर कर लूंगा, ऐसा मत करो। पर एक बार कोशिश करने में जा रहा है, कर सकते हो, देख सकते हो क्या होगा। और इस वाले प्लाजा में डॉलर स्टोर भी है, इसमें प्लैनेट फिटनेस भी है। प्लैनेट फिटनेस वही है जिसके मीम तुमने देखे हो। टेक्सटाइल स्टोर भी है, तो इस वाले प्लाजा में सब कुछ है। टिम भी है उस तरफ, सेंटेनियल मॉल है ये। जैसे तुम्हें अभी गाड़ियां दिख रही हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे 3-4 बजे सुबह भी दिखेंगी, 2 बजे 12 बजे सब ऐसी चलती हैं। और ब्रैम्पटन कभी नहीं सोता, दिल्ली की तरह ये है, बस साफ सुथरा कह सकते हैं। और यहाँ बहुत हैपनिंग है, ब्रैम्पटन कभी नहीं सोता, सेम एज मी। इसे दबा दिया, और जब गाड़ियां उस तरफ की रुक जाएंगी तो हम उस साइड जाएंगे। बस इसके वाइट होने का इंतजार करना है, वो वाइट हुआ तो हम जा सकते हैं। और इसमें एक टाइमर चलता है, इस टाइमर के बीच में तुम वहां से उस साइड से आ सकते हो, उस साइड भी सेम टाइमर चलता है। और अगर 5 सेकंड्स भी रह रहे हैं, मैं कंसिडर करता हूँ कि नहीं जाओ, 10 सेकंड में जा सकते हो तुम। 5 सेकंड में तुम अगर चल के जा रहे हो तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ड्राइवर्स के लिए भी, और 5 सेकंड में तुम भाग के जा सकते हो अगर छोटा रास्ता है तो। क्यों ही भागना, थोड़ा और वेट कर लो, अगर ज्यादा जल्दी है तो भाग ही लो। और अब तुम सोच रहे होंगे कि आर्यन भाई ग्रोसरी तुमने इतनी करी है, कहाँ है वो? तो भाई बैग में मेरे, मैं हूँ समझदार, $1 का एक बैग मिलता है बड़े वाला और 50 सेंट्स का छोटे वाला, तो उसमें पैसे बचाता हूँ मैं और अपने बैग ले जाता हूँ साथ में, क्योंकि 3 ही आइटम थे, और अगर ज्यादा होते तो मैं अपना पहले वाला बैग ले जाता जो मैंने पहले खरीदा था यहाँ से, और उससे काम चल जाता, तुम्हें पता लगेगा कि कितनी वैल्यू है उसकी। $1 फिर $2 फिर $3 और खरगोश खरगोश, बार बार ऐसे बैग्स लेना और जमा करते रहना उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो बचाओ पैसे। अब क्योंकि हैलोवीन बहुत पास आ चुका है, तो लोगों ने अपने घर के आगे डेकोरेशंस करनी स्टार्ट कर दी है। बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाती है जब हैलोवीन आता है यहाँ पे। हैलोवीन शायद इनके लिए बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली वगैरह होता है। एक बार दिखाता हूँ मैं तुम्हें, क्या सीन चल रहा है। वैसे इस वाली रोड पे तो है नहीं इतना, 2-4 घरों ने किया हुआ है। ब्रैम्पटन में जहाँ पे फॉरनर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे ज्यादा होता है, और हैलोवीन पे भी जरूर व्लॉग डालूंगा मैं। इस घर ने यहाँ पे ये भूत का मॉन्यूमेंट टाइप बना रखा है, और उस तरफ कितना डरावना लग रहा है वो, उस तरफ चुड़ैल की। तो यहाँ पे ऐसे ही है, कोई पम्पकिंस रख लेगा अगर उसको बड़ी डेकोरेशन नहीं करनी, तो कोई छोटे छोटे पम्पकिंस रख लेगा। और अभी कनाडा में फॉल चल रहा है, एक हफ्ता और है फॉल, फिर ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे और कनाडा इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। अभी तो पिंक पिंक भी दिखेगा तुम्हें कुछ टाइम बाद।
अच्छी नहीं आ रही थोड़ी दिमाग लोगों को, याद करना डायलॉग याद करना नहीं क्या बोलना है। तुझे किसने बुलाया? तुझे तो बुलाया नहीं किसी ने। भाई ये वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी कर, मेरे को सिखा। $50 पर मिनट। मिनट हाँ, सेकंड्स के दूंगा। ठीक है, सेकंड्स के महंगे हैं फिर। $100 भैया पूछ रहे बेस्ट सेलिंग दिला दो। बहुत पैसा है भाई, मैंने कहा मेरी फीलिंग्स ले जाओ। भाई कंकाल छुपा दिया आपने, हटाना मकड़ी भी हो जाए। भैया आपको पता है इसका गुनाह क्या था? इसका गुनाह ये कनाडा आ गया था। नहीं नहीं स्टूडेंट सेंटर है हमारा, इसमें सारे वेले लोग बैठे हैं और आज इंट्रो टू कैट का वो मिला था पेपर, 40 में से 38 आए मेरे। नाम भी आ रहा है वो ऊपर कोने में, ब्लर हो जाएगा। 40 में 38 आए, एक ये कटा मेरा, सॉरी एक ही कटा बस। पहले से ह्यूमन इंटेलिजेंट तो खैर देखो कितनी अच्छी राइटिंग भी मेरी इंप्रूव हो गई यहाँ के, 15 में से 15 भाई। और ये देखो ऐसे करते हैं भाई, ठीक है सीख लो। आए 27 वाले हैं आप, मेरे साथ बैठा भी मत करो। थैंक्स कृषि जी फॉर दिस अमेजिंग लंच, ये भी चाहिए थैंक्स, बस ऐसे ही मेरे लंच के पैसे बचवाते रहो। ये तो बहुत फेमस हुई है। ओ भाग गया, भाग गया, चली चली गई, अबे डिपोर्ट हो गया मतलब है भाई साहब। देख लाइव करके दिखाई, वो देख मोटोरोला का भाई साहब, वो देख हाथ में पहन लिया फोन। क्या है कौन सा मॉडल है? भाई मोटोरोला खत्म कर देगी मार्केट। लंच के बाद सबको छोड़ने के बाद टेबल टेनिस खेलने के बाद वी आर गोइंग टू होम एंड इट्स 7।